वेलकम टू बाकी पप्पी किचन। तो आज का जो रेसिपी है क्रैक का ग्रेवी वाला, थोड़ा सेमी ग्रेवी बनेगा। तो देखिए, मैं हल्दी और नमक मिला दे रहा हूँ, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके रख देंगे एक साइड में दो 3 मिनट के लिए। उसके बाद एक पैन में हम तेल थोड़ा सा लेंगे, जो सरसों का तेल लिया हूँ। तो सरसों का तेल जो है ना, थोड़ा सा लीजिएगा, बस उतने काफ़ी है। तो थोड़ा गर्म होने के बाद उसको थोड़ा सा डाल देंगे। उसका बाद क्या करेंगे ना, धीमा थोड़ा सा मीडियम आंच करके उसको थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए फ्राई करके चला के ढक देंगे। देखिए, ये कम से कम 10 से 15 मिनट तक थोड़ा सा ढकने के बाद देखिए कलर कैसा हो गया। अब इसको एक बर्तन में निकल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा तेल में अब जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छी तरह से लाल होने देंगे, प्याज को। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए। जिंजर गार्लिक को अच्छी तरह से भून लीजिए ताकि स्मेल चला जाए। देखिए, मैंने हल्दी पाउडर डाला हूँ और उसके बाद नमक डालूँगा स्वाद अनुसार। उसके बाद लाल मिर्ची, उसके बाद टमाटर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और ये जीरा पाउडर है। तो उसको थोड़ा धीमा आंच करके क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सेमी ग्रेवी के लिए। देखिए, मसाला तैयार। अभी जो क्रैक है ना, उसको अच्छी तरह से मिला देंगे। मसाला को 2-3 मिनट अच्छी तरह से पकाना पड़ेगा ताकि अंदर तक मसाला जाएगा। देखिए, भूनने के बाद थोड़ा सा हल्का सेमी ग्रेवी के लिए पानी दीजिए। पानी दे के थोड़ा सा गरम मसाला जो है ना, ऊपर में ऐड करें। देखिए, मैंने ऊपर में ऐड किया हूँ। तो उसके बाद कुछ देर के लिए उसको ढक दीजिए। देखिए, हो चुका है फाइनली। हमारा होने के बाद धनिया पत्ता ऐड कर रहे हैं।